बच्चों देखो, हमारे जैडियो का साहब का नाम क्या है? किसको आता है? खराब करो जिसको आता है। बरगड़ी साहब का नाम सरजीत का बच्चों तुम्हारा क्या नाम है? आपकी जैडियो साहब का देखिए आपने कभी वो है? अच्छा मुनीर, इधर मुनीर, इधर जनरल नॉलेज पूछ जरा बच्चों से। कहते हैं दोने का भाड़ा नहीं आते। मुनीर बच्चों से पूछ जनरल नॉलेज का सवाल पूछ। बनाए बिल पूछना बच्चा, सवाल पूछना। शाबाश, पूछ जल्दी। आओ आओ यार, पूछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछ जल्दी कर। ये देख रहे हैं, इधर आ जाओ। जिसको आता होगा उसने झट से जवाब देना है। चल पूछ, स्कूल का नाम क्या है? पूछो पूछो उनसे जवाब दे दो, बोल दो क्या है। हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर है हिंदुस्तान का या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू। अच्छा और पूछो। चेन्नई पूछो। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चेन्नई। चलो और पूछो, और पूछो। चल पूछ, धड़ाधड़ पूछ, धड़ाधड़ पूछ, धड़ाधड़ पूछ। जल्दी जल्दी पूछ। चल बिशरत खान का क्या? बिशरत खान। आज तू भी पूछ, तू भी पूछ, तू भी पूछ। जल्दी पूछ, जल्दी पूछ, पूछ सवाल पूछ। आपकी राजधानी कहाँ है? प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल। शाबाश, पूछ 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 जल्दी जल्दी। ठीक है, हो गया, देख लिया। व्हाट इज एन अल्फाबेट? शाबाश, व्हाट इज एन अल्फाबेट? फर्स्ट का बच्चा ऐसे अपने अपने बेस को मेंट करो। आप लोगों जैसे मैंने बोला ना, देखो अगर आप लोग अच्छे होंगे ना, गांव वाले लोग आपके पास खुद आएंगे, आपसे एडवाइस सीख करेंगे। लेकिन अगर आप ही गलत हो जाओगे ना, तो फिर कोई आपसे जो है नजदीक बारे में। हाँ सर, चंद दिनों से यहाँ कुछ चल रहा था, खटपट हुई थी 2-4 दिन पहले। उस वक्त मुझे टाइम मिल लगा, फिर 1-2 दिन और समय नहीं मिला, तो आज हम आए यहाँ। हमने बुलाया था, सरपंच साहब आए थे, मेंबर और टीचर भी आए थे, तो यहाँ हमने विजिट किया और यहाँ बातें हुई। हमने देखा कि यहाँ कुछ भी नहीं पाया हमने, वो थोड़ा सा कुछ कई बार ऐसा होता है कि मिस अंडरस्टैंडिंग रहती है, उसकी वजह से भी ऐसा काम हो जाता है। बच्चों को देखा तो बड़े बच्चे बड़े होशियार, प्राइवेट स्कूलों की तरह जो जवाब देते हुए नजर आए। कहना चाहूँगा, हाँ आज मैं ZDO साहब के साथ यहाँ पर विजिट किया था। पहले भी मैं 10 दिन पहले यहाँ पर आया था, लेकिन बीच में कोई पब्लिक कोई ग्रीवेंसेस क्रिएट हुए थे, कुछ टीचर और पब्लिक के बीच में कोई बातचीत हुई थी, जिसकी वजह से कुछ मीडिया में गलत रिपोर्ट्स गई थी कि स्कूल अच्छी तरह से चल रहा है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, हमारे टीचर्स जो हैं ये अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। अगर कोई कोई खामियां रही होंगी तो हम उसको रिड्रेस करने की कोशिश करने के लिए ही आज आए थे। हमने जो है वो यहाँ पर पब्लिक से भी, पब्लिक को भी सुना और टीचर्स को भी सुना, जो भी ग्रीवेंसेस थे उसका रिड्रेसल कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्त में कोई भी इस किस्म की बात जो है यहाँ पर स्कूल में नहीं होगी, और लोग भी यहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से ताउन दे रहे हैं, टीचरों के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारे टीचर्स भी आने वाले वक्त में और कोऑर्डिनेट करेंगे। मैंने इनको हदायत जारी कर दी है कि वो 26 को जो है वो जो पेरेंट टीचर मीट होती है वो इनको बुलाएं, पब्लिक को बुलाएं, ताकि वो अपने बच्चों के साथ भी बैठ के देखें कि हमारे टीचर जो है वो क्या पढ़ा रहे हैं। तो इस पर भी बात हुई है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है वो इस किस्म की कोई बात नहीं होगी जिससे किसी किस्म का मसला यहाँ पर क्रिएट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे टीचर्स जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर गांव में भी जितनी भी हो सकती है कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, और इन बच्चों को जो इनका बच्चों का जो भविष्य है वो जो है वो उनका जो है वो सुधारेंगे। और सबसे पहले मैं ये बताऊं तो ये टीचर अरुण जी हैं जो 19-20 साल हो गए यहाँ पर लगे हुए, लेकिन हमने कंपेरिज किया है पहले लेवल टीचरों और इन टीचरों में कंपेरिज किया है कि हमारा जो स्कूलों का जो बेस जो है हमारे इस गांव झंडिया में जो तरक्की हुई है, एजुकेशन में बदलाव आया है। मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, सामने तारीफ करते हैं, मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड तारीफ करते हैं कि ये जो टीचर यहाँ पर अरुण जी हैं जो 15-20 साल से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छी शिक्षा दी उन्होंने, इन्हीं के पढ़ाए हुए आज बच्चे हमारे डिग्री कॉलेज में हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं। ये तो हम भी पढ़े, इन स्कूलों से निकले हैं, लेकिन हमारा बेस कमजोर था।
हमारे पहले क्या होता था, हम उन बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में इस किस्म की जो हमारी एजुकेशन यहाँ पर हो रही है, इसी किस्म की एजुकेशन आगे आने होनी चाहिए, ताकि हमारी जो भी हमारी कमियां हैं, जहाँ हमारे पेरेंट्सों में कमियां हैं या टीचरों में कमियां हैं, जो मिल बैठ के चलना पड़ता है। जब तक टीचर और पेरेंट्स का आपस में तालमेल नहीं होगा, तब तक ये निजाम नहीं चलेगा। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे स्कूल का आज विजिट था। हमारे प्रिंसिपल साहब आए थे, जेडीओ साहब आए थे, इनका भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और इन्होंने अच्छा विजिट किया और जो कमियां थी टीचरों के बीच थी या पब्लिक के बीच थी, वो रूबरू करवा के इन्होंने अच्छा फैसला तय किया सर। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर। आप कुछ कहना चाहो सर? मैं बेंच इन सारे चलिया सर, मैं आप मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी यहाँ पे जो छोटी मोटी गर्वेंट्स हुई थी पब्लिक और टीचरों के बीच, तो उसको कवर करने के लिए आए, और यहाँ पे एजुकेशन स्टाफ के प्रिंसिपल सर भी आए थे और जेडीओ साहब भी आए थे यहाँ पे, और हमने लोगों की भी सुनी और टीचरों की भी सुनी, उस बात को हमने यहाँ पे ख़त्म किया है, और आइंदा के लिए कॉपरेट करके स्कूल को चलाना और बच्चों से स्कूल के साथ आवन रखना हमने इसका आश्वासन दिया, और हम आश्वासन से चलेंगे भी और रहेंगे भी। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ शुक्रिया करता हूँ कि जी। मेरा नाम रजिंदर सिंह है और मैं पंच यू पंचायत से वार्ड नंबर 6 नेता से हूँ जी। ये जो मसला रेज किया गया था स्कूल के बारे में, आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रिंसिपल साहब खुद आए थे, जेडीओ साहब स्टाफ के साथ आए हुए थे, और इस मसले को बखूबी से सुलझाया है। जो उलझ गया था और जो भी टीचरों के बारे में जो भी कहा गया है, पढ़ाते नहीं आते नहीं है, वो टाइमली से आते भी हैं और उनको भी अच्छी तरह से उन्होंने गाइड किया है, और हमारा सबका एक ही नारा है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, इस अनपढ़ता को ख़त्म करना है, और बहुत अच्छा रहा। हम आशा करते हैं कि सब लोग मिलजुल कर चलें, पेरेंट्स टीचर, तभी जाके बच्चों का भविष्य बनता है। मैं दोबारा फिर ये कहना चाहूँगा, बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे, केवल जी हैं, अरुण जी हैं, जो बच्चे जडियो साहब ने इन बच्चों से जो पूछा, उन बच्चों ने सब चीज़ों का आंसर उनको दिया है। स्टाफ भी खुश है, प्रिंसिपल साहब भी खुश हैं, जडियो भी खुश है, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।